हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो की टाइटल और थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा वीडियो किस बारे में होने वाला। जी हाँ, 5 बेस्ट 125 सीसी बाइक्स अंडर 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए के अंदर मिलने वाले 5 सबसे बेहतर बाइक्स मेरे ख्याल से, जो 125 सीसी के अंदर मिलता है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 5 पे हमने रखा है हीरो सुपर स्प्लेंडर को। इस बाइक का जो एक्सरूम कीमत है वो है लगभग 80,748 रुपीज से लेकर 85,538 रुपीज तक। इस बाइक में 124 सीसी का इंजन मिलता है, सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड, गियर बॉक्स आपको 5 स्पीड मिलता है और मैक्स पावर जो है वो है लगभग 10.8 पीएस और टॉर्क जो है 10.6 एनएम ऑफ टॉर्क मिलता है इस बाइक पे। उसी के साथ फ्यूल ब्रेकर्स की आपको फ्यूल टैंक मिलता है और 55 केएमपीएल तक माइलेज कंपनी ने क्लेम किया है इस बाइक पे। कार्बोरेटर जो है इस बाइक पे 123 किलोग्राम के आसपास और उसी के साथ ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे एलईडी हेडलैम्प देखने को मिलता है, एलईडी डीआईएल देखने को मिलता है और फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस बाइक पे दिया गया है, वो भी मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी के साथ, और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी अवेलेबल है इस बाइक पे। स्टार्टिंग ऑप्शन आपको दोनों ही मिलता है, किक एंड इलेक्ट्रिक। नंबर 4 पे है बजाज पल्सर 125। इस बाइक पे आपको 3 वेरियंट मिलता है, नियॉन सिंगल सीट जिसके एक्सरूम कीमत है 81,414 रुपीज, उसके बाद कार्बन फाइबर सिंगल सीट जिसके एक्सरूम कीमत है 90,490 रुपीज, कार्बन फाइबर स्प्लिट सीट जिसके एक्सरूम कीमत है 95,277 रुपीज। इस बाइक पे 124 सीसी का इंजन मिलता है, सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड, जो लगभग 11.8 पीएस और 10.8 एनएम ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक पे 11.5 लीटर की फ्यूल टैंक मिलता है और माइलेज इस बाइक पे कंपनी ने 57 केएमपीएल तक क्लेम किया है। उसी के साथ टॉप स्पीड इस बाइक पे कंपनी ने 99 केएमपीएस तक क्लेम किया है। ट्यूबलेस टायर इस बाइक में मिलता है और कार्बोरेटर जो है लगभग 142 किलोग्राम के आसपास। किक एंड इलेक्ट्रिक दोनों ऑप्शन ही अवेलेबल है स्टार्टिंग का, और उसी के साथ फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है आपको इस बाइक पे, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिलता है और एलईडी हेडलैम्प आपको इस बाइक पे अभी मिलने लगा है। थर्ड पर हमने रखा है होंडा की एसपी 125 को। इस बाइक में आपको 3 ऑप्शन मिलता है, ड्रम ब्रेक जिसके एक्सरूम कीमत है 86,123 रुपीज, उसके बाद डिस्क ब्रेक जिसके एक्सरूम कीमत है 90,123 रुपीज, और टॉप मॉडल है स्पोर्ट एडिशन जिसके एक्सरूम कीमत है 90,673 रुपीज। इस बाइक में 123 सीसी का आपको इंजन मिलता है, सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड, गियर बॉक्स आपको 5 स्पीड का मिलता है और मैक्स पावर जो है वो है लगभग 10.87 पीएस और टॉर्क जो है 10.9 एनएम ऑफ आपको टॉर्क मिलता है इस बाइक पे। फ्यूल कैपेसिटी इस बाइक पे 11.2 लीटर्स की और 60 केएमपीएल की माइलेज कंपनी ने क्लेम किया है इस बाइक पे। कार्बोरेटर जो है इस बाइक का 116 किलोग्राम के आसपास, उसके साथ फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है आपको इस बाइक पे, एलईडी हेडलैम्प मिलता है आपको इस बाइक पे और इंडिकेटर्स और टेल लैम्प आपको हेलोजन बल्ब के साथ ही मिलता है। सेकंड पोजीशन पर हमने रखा है टीवीएस राइडर 125 को। इस बाइक पे आपको 4 ऑप्शन मिलता है, पहला है सिंगल सीट जिसके एक्सरूम कीमत है 96,719 रुपीज, उसके बाद है स्प्लिट सीट जिसके एक्सरूम कीमत है 97,719 रुपीज, उसके बाद है सुपर स्क्वाड एडिशन जिसके एक्सरूम कीमत है 1 लाख रुपीज, और टॉप वेरिएंट है स्मार्ट एक्स कनेक्ट जिसके एक्सरूम कीमत है 1,06,000 रुपए, 1,06,000 रुपीज। इस बाइक पे 124 सीसी का इंजन मिलता है, सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड, गियर बॉक्स आपको 5 स्पीड मिलता है, मैक्स पावर जो है 11.38 पीएस की और टॉर्क जो है 11.2 एनएम की प्रोड्यूस करता है ये बाइक। उसी के साथ फ्यूल टैंक आपको 10 लीटर की मिलता है और माइलेज जो है 65 केएमपीएल तक कंपनी ने क्लेम किया है इस बाइक पे और टॉप स्पीड 99 केएमपीएस तक कंपनी ने क्लेम किया है। ट्यूबलेस टायर आपको इस बाइक पे मिलता है, कार्बोरेटर जो है वो है लगभग 123 किलोग्राम के आसपास, उसी के साथ स्टार्टिंग ऑप्शन आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक ही मिलता है, उसी के साथ फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिलता है और ट्यूबलेस टायर भी अवेलेबल है इस बाइक पे। और इस लिस्ट की पहली नंबर पे हमने रखा है हीरो एक्सट्रीम 125 आर को, जिसके एक्सरूम कीमत है 96,719 रुपए से लेकर 1,02,000 रुपए तक। इस बाइक में हमें 124 सीसी का इंजन मिलता है, सिंगल सिलेंडर, जो लगभग 11.55 पीएस और 10.5 एनएम ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। दो वेरिएंट मिलता है इस गाड़ी में, आईबीएस और एबीएस। सेगमेंट फर्स्ट एबीएस आपको इस बाइक में मिलता है और उसी के साथ 10 लीटर की आपको फ्यूल टैंक यहाँ पे मिलता है। ट्यूबलेस टायर दिया गया है और कार्बोरेटर जो है वो लगभग 136 किलोग्राम के आसपास और इस बाइक में 66 केएमपीएल की माइलेज कंपनी ने क्लेम किया है। एक किक स्टार्ट का ऑप्शन आपको नहीं मिलता, सिर्फ इलेक्ट्रिक स्टार्ट का ऑप्शन है। उसी के साथ फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट के साथ। तो आज की इस वीडियो यही तक है, बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कौन सा बाइक बेहतर लगता है। बाकी वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।